सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर पॉडकास्ट। और आज हम एक और कहानी आपके साथ लाए, मतलब पेश करने वाले हैं। और आज हमारे साथ वही शख्स जुड़ चुके हैं, क्योंकि सर्च भी कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको अच्छे पॉडकास्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। और बहुत जल्दी भाई हमारा गाना भी आएगा, मतलब आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं, पहले हम इनसे इंट्रो ले लेते हैं कि कहाँ से हैं ये, तो बताइए आप अपना। माय नेम इज स्नेह वर्मा और मैं कोट साइड से हूँ। तो आज की स्टोरी में मतलब मेरी फ्रेंड है, उनका किसी मतलब रिलेटिव की है ये, तो मैं आपको सुनाती हूँ। तो उनकी फ्रेंड की मतलब मेरी फ्रेंड की कोई रिलेटिव थी लड़की, वो BBS करके उनको जॉब लग गई। तो वो लड़की थी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब उसके लिए घर वाले सब कुछ, घर वाले और उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह को कोई सीन नहीं था। तो उसने एक पीजी लिया, पीजी का मतलब रूम लिया उसने चंडीगढ़ में। तो नीचे का जो फ्लोर था उस पर फैमिली रहती थी, कोई हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा। तो ऊपर के फ्लोर पर उसने एक कमरा लिया, तो वो रहने लगी वहाँ पे। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें भी मना करते हैं घर वाले कि तुम्हें कोई भी चीज़ दे वो तुम्हें खानी नहीं है, चाहे वो फिर वो प्रसाद हो, अननोन के हाथों से नहीं लेना, क्योंकि आजकल लोग प्रसाद के नाम पे कुछ भी खिला देते हैं। तो उस लड़की को भी ये सिखा रखा था कि तूने ये सब कुछ नहीं करना है, कुछ भी किसी के हाथ की चीज़ नहीं खानी। तो जो उसकी वो लड़की डेली हॉस्पिटल जाती थी, तो वो देखती थी कि जो उनका नीचे का फ्लोर है ना, वहाँ पे डेली पूजा चली होती थी, किसी न किसी चीज़ की पूजा चली होनी वहाँ पे। तो वो लेडी जो थी ना, जो नीचे के फ्लोर पे रहती थी, तो बहुत ही बड़ी चंट मतलब वो करती थी, वो अपर मतलब ये जो होता है ना प्रेत, इनकी पूजा किया करती थी वो। तो वो लड़की बड़ी सीधी साधी, तो उसने क्या करना कि लोग मतलब उसके लिए घर वालों से बात करनी, एक डेढ़ घंटा मम्मी से बात कर लेती थी, बहन भाई होने उनसे बात करनी, फिर उसने सारा टाइम अपनी पढ़ाई पे लगा देना। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो आंटी थी ना, उसने बुलाया कि तू कहाँ जा रही है। तो उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो आंटी ने बोला कि इधर आ, तो वो गई अंदर। मतलब तो जिस पीजी पे वो रहते थे, उनके ओनर ने बुलाया, या मतलब कोई मतलब और? ओनर भी नहीं, वो भी किराया लेके रहते थे। ओके, हाँ, ओके, ओनर तो कहीं बाहर रहते थे। और ये गाइस ये रियल इंसिडेंट है भाई, ये कोई फेक नहीं है। और मतलब इनके बहुत इनकी फ्रेंड के साथ हुआ है ये चीज, फ्रेंड के रिलेटिव के साथ। तो मतलब ये पूरा इंसिडेंट अभी आप सुनो, कंटिन्यू। तो वो लड़की, उस लड़की को बुलाया उस लेडी ने कि तू इधर आ, पूजा पाठ चल रहा था, वो हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। तो वो भी गई, क्या हुआ आंटी? तो उसने बोला कि तू कहाँ जा रही है? बोलती मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो उसने बोला कि ये ले प्रसाद, तू खा लियो। तो प्रसाद में दिए उसको लौंग, ओह माय गॉड, और वो काली दाल होती है वो दी। तो उसने क्या किया कि वो हाथ, बोला ठीक है आंटी मैं खा लूँगी। तो उसने क्या किया कि वो हाथ में रख लिए और वो जाते जाते गेट के पास फेंक दिए, और वो लड़की चली। लड़की ने, हाँ मतलब उसने खाया नहीं, फेंक दिया। तो उसकी मम्मी ने सिखा के रखा था ना कि नहीं खाना है। तो उस लेडी को ये बात पता लग गई। तो वो जब वो हॉस्पिटल से वापस आई ना लड़की शाम को, तो उसने पूछा कि बेटा जो मैंने तेरे को प्रसाद दिया था वो तूने खाया नहीं, तूने वो फेंक दिया। बोलती कि उस लड़की ने बोला कि आंटी मुझे ऐसे वैसे कुछ भी बोल दिया, लौंग लूंग कि कौन ही खाएगा, मुझे नहीं पसंद, एलर्जी होती, कुछ भी बोल दिया, बहाना लगा दिया। तो उस लड़की ने ये बात अपनी मम्मी को नहीं बताई। मम्मी, उसने सोचा होगा कि घर वाले टेंशन में आ जाएंगे, क्यों बताना मतलब, और ये नॉर्मल सी बात तो है, प्रसाद है मैंने नहीं खाया हमने। तो उसने नेक्स्ट डे फिर से उसको बुलाया सुबह सुबह जाते टाइम, उस लड़की को, हाँ लेडी ने, कि तू इधर आ, और उसको लड्डू दिया खाने के लिए, तब मोतीचूर के लड्डू जो होते हैं वो दिया। तो वो थे उस लड़की के फेवरेट, और वो उसने खाया नहीं वो भी। तो वो हाथ में लेके उसने सेम वैसा किया, सेम हाँ सेम उसने वैसे। अब वो थर्ड डे उसने फिर से बुलाया उसको, और वो चली गई लड़की, और वो लेके आई थी बर्फी का डब्बा ब्रांड की वो भी। तो लड़की ने सोचा कि डेयरी है, ब्रांड की है वो भी, कौन ही क्या ही करेगा ब्रांड की बर्फी, मैं खा लेती हूँ। तो उस लड़की ने वो खा ली, और ये चीज़ उसने अपनी मम्मी को बता दी, और मम्मी उसकी गुस्सा करे कि तूने क्यों खाया, तेरे को मैंने मना किया था, है ना। तो उस लड़की ने क्या किया, जो अपनी मम्मी को कभी लड़ती नहीं थी अपनी मम्मी से, उसने अपनी मम्मी को भर भर के मतलब गालियाँ भी दी और सुनाया बड़ा कुछ, और वो फ़ोन काट दिया।
ब्लॉक ब्लॉक कर दिया उसने अपने घर वालों को, सबको सबको ब्लॉक कर दिया, अपने भाई बहन। अब वो जो टाइम अपनी फैमिली को देती थी ना, वो नीचे अपनी उस लेडी को देने लगी वो टाइम, उनके साथ पूजा करनी, उनके साथ सब कुछ करना। अब उस लड़की का था एक लड़का, उसका फ़ोन मतलब वो पूरा दिन फ़ोन, उसका फ़ोन टूट गया तो उस लड़की ने बोला कि क्या हो गया, मैं ला के देती हूँ तेरे को फ़ोन। तो उस लड़के का फ़ोन दिया तो मतलब उनके घर में जितने भी खर्चे होने लगे वो लड़की उठाने लगी अपने सिर से। उस लड़की का मोटिव यही था कि ये लड़की मेरे खर्चे उठाएगी, उसको पता था कि डॉक्टर है। तो फिर और ये चंडीगढ़ की बात है, हाँ चंडीगढ़ की। तो लड़की को मतलब उस टाइम पे कोरोना काल आया तो मतलब ऐसे बोल दिया कि सभी डॉक्टर्स वगैरह हॉस्टल में अलग से रहेंगे क्योंकि उनको 100% चांसेस थे कोरोना होने के। तो वो लड़की वहाँ से शिफ्ट होगी हॉस्टल में। तो जब वो कोरोना की बात है अभी, हाँ अभी ओके। तो जब वो लड़की इस चीज़ से मतलब उस घर से अलग हुई ना तो उसको रियलाइज हुई कि यार मैं क्या कर रही हूँ। और उसने अपना बैंक बैलेंस देखा ना, जब उसके बैंक में थे 3-4 लाख रुपए थे, बचे थे टोटल 30,000। तो उसने देखी थी कि मेरे को मेरी फैमिली का भी देखना है और मैं क्या कर रही हूँ। तो उस दिन अपनी मम्मी को कॉल किया उसने और उसने बड़ी रोई अपनी मम्मी के साथ। बहुत टाइम बाद थी, हाँ बहुत टाइम, 7-8 दिन बाद कॉल की उसने अपनी मम्मी को। तो उस अपनी मम्मी के साथ वो बहुत ज़्यादा रोई। तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा देख ये अभी तो तू इधर आ जा, मतलब घर आ जा, जो भी तेरे साथ हो रहा है उसने सब कुछ बताया। तो उसकी मम्मी तो समझ गई कि, तो उसने बोला कि कोरोना काल चल रहा है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं घर नहीं आ सकती, मेरे को पेशेंट देखने हैं। तो वो घर नहीं गई। तो उसने बोला, उसकी मम्मी ने बोला कि हम भी नहीं आ सकते क्योंकि सारा कुछ वो कर्फ्यू वगैरह चला हुआ था, तो वो लोग नहीं जा पाए उसके पास। तो उसकी मम्मी ने बोला कि तू एक काम कर, तू किसी से मिल, पंडित वगैरह हैं तो उनसे मिल। अच्छा वहीं चंडीगढ़ में, हाँ उसके तेरे कॉन्टैक्ट में कोई है तो मिल। तो पता नहीं क्या सीन हुआ, उस वो मिली होगी पर वो लड़की आज तक ठीक नहीं हो पाई है। उन्होंने ओवरकम नहीं okay. उसकी फिर शादी हुई है, शादी हुई है उसकी पर वो ठीक नहीं हो पाई है। उसको दौर मैरिड आई नो, हाँ शी इज मैरिड, तो उसकी वो ठीक नहीं हो पाई है बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब वो वैसे ही है, मतलब उसी आंटी के लिए करती है या मतलब ऐसे बाहर पैसे, मतलब नहीं उसका वो चीज़ बंद हो गई है, बस ऐसा है कि वो पागल हो जाती है। मतलब पागल किस टाइप में पागल, मतलब चीज़ें तोड़ती है, अपने हस्बैंड को पीटना स्टार्ट कर देती है, मतलब कुछ भी कर देगी वो। तो मतलब ये ओके, तो ये पैसे पूसे का सीन सॉर्ट हो गया था, मतलब पैसे को नहीं खर्च रही है बाहर बहुत, जैसे मतलब उस आंटी के लिए करती थी उसकी फैमिली। वो तो मुझे नहीं पता वो चीज़ें, ये तो मेरी फ्रेंड को भी नहीं पता क्योंकि आज तो ज़्यादा ही पर्सनल है ना, बट मतलब एक पर वो करती होगी जब ओवरकम हुआ नहीं है। 110% वो करती होगी, वो करती होगी। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द एपिसोड और आपको मिलते हैं नेक्स्ट उसमें पॉडकास्ट में। और भाई हमारा सस्ता सा पॉडकास्ट चला हुआ है तो आप ऐसा मत सोचना कि अभी हम बहुत ही महंगा सामान लेके भी आएंगे। और ऐसे ऐसे पॉडकास्ट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और अच्छे से अच्छे हम मेहमान को हम निमंत्रण दिया करेंगे। और आज ये आए थे मेरे पास, मतलब बोलते कि ऐसे से रियल इंसिडेंट सुनाना है, तो मतलब मैंने बोला कि चलो पॉडकास्ट कर लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।